सामने गुरदीप सिंह बब्बर और स्वागत है सबका मेरे चैनल गुरदीप सिंह बब्बर में। आज मैं आपको दो पेपर्स के साथ गणेश जी बनाना सिखाऊंगा, कैसे बनाए जाते हैं, कैसे इसको फोल्ड किया जाता है और इससे बनाए जाते हैं गणेश जी। इसके लिए आपको चाहिए 2 शीट्स स्क्वेयर साइज की। आपके सामने इस तरह से मैंने 2 पेपर लिए हैं बिल्कुल स्क्वेयर। अब मैं आपको बताता हूँ इसको कैसे आपने फोल्ड करना है और कैसे इसको बनाना है। और इसके लिए आपको चाहिए एक ब्लैक पेन या ब्लैक मार्कर भी ले सकते हैं, स्केच पेन भी ले सकते हैं इसके अंदर, जिससे आईज बनेंगी उसके लिए आपको चाहिए ब्लैक पेन और स्क्वायर आपको चाहिए बिल्कुल शेड्स। आज मैं आपको ये गणेश जी कैसे बनाए जाते हैं पेपर के साथ ये सिखाने जा रहा हूँ। तो चलिए पूरा सीखने के लिए पूरी वीडियो देखिए किस तरह से हमने बनाए हैं गणेश जी पेपर्स के साथ। 2 पेपर शीट चाहिए आपको और आप इस तरह से बना सकते हैं, अपने फ्रेंड्स को गिफ्ट वगैरह करना चाहें कर सकते हैं, अपने रिलेटिव्स को बना के दिखा सकते हैं इस तरह से। चलिए अब सीखते हैं कैसे बनाए जाए। जी हाँ फ्रेंड्स, आपने लेना है पेपर, इसको आपने इस तरह से आप चेक कर लीजिए और उसको हमने यहाँ से फोल्ड कर लिया। ओके, यहाँ क्रीज आ चुकी है, ये जब क्रीज आई है सेंटर में, अब यहाँ से इसको फोल्ड कीजिए, क्रीज के साथ मिलाइए इस लाइन के इस पार्ट को, इस लाइन के साथ आपने मिलाना है इस तरह से। ये आपने इधर से फोल्ड कर लिया, इस साइड से आपने इस लाइन में मिलाना है। ओके, इसी तरह से आपने इधर से मिलाना है, पर इस तरह से आ चुका है। अब इसको पलटिए, आपके पास ये स्क्वायर पीस आ चुका है इस तरह से। अब आपने इसको इस तरह से फिर से आपने स्क्वायर बनाना है। ये आपका इस तरह से स्क्वायर बन चुका है सामने, ये आप देख सकते हैं, ये आपने इस साइड से स्क्वायर बना लिया है। और आप इधर से देखेंगे तो एक छोटे छोटे स्क्वायर आपको बड़े प्यारे लग रहे हैं यहाँ पर। अब आपने एक बार फिर से यहाँ पर स्क्वायर बनाना है। ये आपके सामने इस तरह से आपके पास आ चुका है। अब हमने इसको इधर से इसको इस साइड से खोला। ओके, इस तरह से आ चुका है। यानी के बाद आप इसके अंदर हल्का सा इसको प्रेस करेंगे इस तरह से, ये जो आपके सामने इस पर पार्ट आ चुका है ये डिजाइन बन गया। तो हमने नीचे से इसको खोला इस तरह से, ये नीचे वाला। ओके, अब हमने यहाँ पर आईज बनानी है और यहाँ पर हमने मार्क करना है। चलिए करते हैं। ये जो आपको यहाँ से खुल रहा है इसके सेंटर में हमने मार्क करना है, हल्के हल्के इस तरह से लाइन्स लगानी है। ये अंदर की साइड में लाइन्स लग गई हैं आपके सामने। ओके, अब इसको हम
पैन रख दीजिए। अब ये पार्ट हमने इस तरह से पकड़ना है और इसको नीचे से प्रेस करना है इस तरह से। इसको हमने सेंटर से इस तरह से प्रेस करना है, ओके। और ये पार्ट हमने इस तरह से कर लेना है। अब हम बनाएंगे नीचे का दूसरे पेपर से। इस पार्ट को आप आराम से रख दीजिए। मैंने लिया ब्लू कलर का पेपर, इसको भी आप इस तरह से सेंटर मार्क लगाएंगे। सेंटर मार्क लगा लिया, लाइन आ चुकी है आपके सामने। इसको आप इस तरह से करेंगे, ये आ चुका आपके सामने। इसको आपने बैक साइड किया, ओके। इसके लिए आपके पास फोर स्क्वेयर्स आ चुके हैं, यस फोर स्क्वेयर आ चुके हैं। और आपको इस इधर से भी इसको फोल्ड कीजिए, यस। ये पार्ट आ चुका आपके पास, इस साइड से इस तरह लिख रहा है, इधर से ऐसे दिख रहा है, ओके यस। जिधर से आपको ये स्क्वायर दिख रहा है इस तरह से, ये आपने इधर से ओपन किया और इसके आमने सामने वाला आपने ओपन किया, इधर वाला ओपन करेंगे। ये पार्ट इस तरह से, ये आपके पास ये शेप आ चुकी है जी। हाँ फ्रेंड्स, हम यहाँ तक पहुँच चुके हैं, इतना पार्ट हमने बना लिया है। अब ये जो पार्ट आया, ये पार्ट आया, ये आपने बनाया, ये हमारी बन गई छोटी टांग, ये इधर छोटी टांग। और हमने करना है इसको बड़ी टांग, लेग इसकी बड़ी करनी है। तो कैसे करेंगे, इसको इधर से खोलें पहले आप, इसको ये पकड़ें, इसको पूरा खोल लें, ये खुल गया। अब इसको ये आपको स्क्वायर नजर आ रहा होगा, इसको इधर दबाएं, इसको ऐसे, ये हमने, ये देखो ये हमारी आ गई थोड़ी लंबी लेग। अब इधर से भी इसी तरह से करेंगे, ये आ गई हमारी लेग। अब इसको थोड़ा इधर से मोड़ देंगे इस तरह से, इधर से भी इतना मोड़ देंगे इस तरह से। ये हमारी बन गई पजामा, पजामे जिसको हम कहते हैं, पजामा कहते हैं, ये बन गया। अब ये जो हमने बनाया था गणेश जी का फेस, अब ये हम लगा देंगे यहाँ पर। ये हमारे गणेश जी हो गए रेडी। अब आप चाहें तो यहाँ पर स्टेपल लगा सकते हैं, नहीं तो पीछे से आप इसको टेप के साथ चिपका सकते हैं। ग्लू लगा लें, यहाँ पर ग्लू लगा के इसके ऊपर रख सकते हैं। ये आज मैंने आपको सिखाया गणेश जी कैसे बनाए जाते हैं पेपर के साथ। ये आज आपको मैंने सिखाया गणेश जी कैसे बनाए जाते हैं पेपर के साथ। यहाँ पर आप ग्लू लगा के, कोई भी आप ग्लू लगा लीजिए, इसको यहाँ से चिपका दीजिए। गणपति बप्पा मोरिया, अगले साल फिर जल्दी आ, आपको सिखाया गया। तो आप मेरी प्रीवियस वीडियोस वॉच कर सकते हैं। मेरी नेक्स्ट वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को और बेल आइकॉन होगा बेल बजा लीजिए, ताकि आपको हर नोटिफिकेशन मिल सके और आप मेरे से कुछ ना कुछ
एवरी सैटरडे संडे सीख सकें और बाकी दिन मैं आपको परफॉर्मेंस करके दिखाता हूँ, उसे आप इंजॉय कर सकें, देख सकें। थैंक यू।